नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, चाहे वो SGX निफ्टी हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो या फिर वो नेस्टेक इंडेक्स हो, तीनों जगह से शानदार जो आपके लिए संकेत आते हुए दिख रहे हैं। शानदार मतलब बहुत शानदार। निफ्टी 18,000 के ऊपर दिख रही है और ये चीज मैं आपके साथ 3 दिन पहले ही शेयर कर चुका हूं। अब निफ्टी 18,000 जाने को तैयार है। जैसे हम लोग पूरी की पूरी अप्रैल एक्सपायरी में अप्रैल मंथ में देखते रहे कि मार्केट डेली बेसिस पे रेंज में प्ले हो रही थी, बट रेंज के ऊपरी एंड को डेली बेसिस पे ब्रेक कर रही थी। FYI का डाटा स्टार्टिंग में तो था अच्छा, लेकिन उसके बाद सेलिंग दिखी, लेकिन कैश मार्केट में फ्यूचर्स में कंटिन्यू खरीदते ही रहे वो। अब फाइनली SGX निफ्टी शो कर रहा है बाजार 18,000 के ऊपर के लिए तैयार हो रहा है, और डाउ जोन्स या फिर नेस्डेक हो, दोनों में बढ़िया तेजी है। वैसे तो आपके लिए आज एक अमेरिका से GDP का आंकड़ा आया जो कि खराब आया, और खराब नहीं आया, बहुत खराब आया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले US की GDP के आंकड़े की बात कर लेते हैं, उसके बाद FIADIS के डाटा की बात करेंगे। अगर GDP का नंबर देखें Q1 का, तो लगभग 1.1% पे आया है, 2.6% से घटकर बाजार का अनुमान 1.9% का था। तो ये बहुत ज्यादा GDP का खराब नंबर आता हुआ दिखाया अमेरिका में, बट उसके बावजूद अमेरिका के बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऊपर ही जा रहे हैं। अगर FIADIS के डाटा की बात करें तो FII आज लगभग 1653 करोड़ का कैश मार्केट में खरीद के गए हैं। वहीं DIIs की बात करें तो 97 करोड़ का खरीद के गए हैं। तो चाहे वो FII हो या फिर DII हो, दोनों के दोनों खरीदते हुए दिखे हैं कैश मार्केट में, और बाजार ने आज दिखाया भी पूरे दिन जिस तरीके से हायर हाइज लगाते चले गए, वहीं बाजार ने आपको क्लियरली बताया कि भैया आज तो हम सुपर पॉजिटिव दिख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, हमें ऊपर जाने दो, साफ क्लियर वर्ड्स में बोला बाजार ने। अब ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देता हूं। एशिया पैसिफिक बात करें तो निकाई 40 पॉइंट ऊपर है 0.15%, शंघाई 0.67% यानी आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है, हैंगसेंग में आधे परसेंट की ऑलमोस्ट तेजी है, एंड कॉस्पी भी लगभग आधे परसेंट ऊपर है। यूरोप के मार्केट्स में फ्लैट टू नेगेटिव काम हो रहा है, फिटसी 0.18% डाउन है, डेक्स बिल्कुल भी डाउन नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल, बस 4.6 पॉइंट नेगेटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर हम अगर आते हैं US बाजार में तो बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। नेस्डेक इंडेक्स 1.5% सुपर तेजी है 1.5% की, एंड मैंने 2:30 बजे वीडियो भी बनाई थी अमेरिका के बाजार से अच्छे संकेत आ रहे हैं IT स्टॉक्स के लिए नेस्डेक इंडेक्स की तरफ से। तो उस समय तो लगभग 80 पॉइंट ऊपर था नेस्डेक इंडेक्स, लेकिन करंटली 171 पॉइंट ऊपर है। उस समय नेस्डेक फ्यूचर था, अभी करंट लाइव नेस्डेक दिख रहा है हमें। तो बढ़िया तेजी है 1.5% की नेस्डेक में, और डाउ जोन्स की बात करें 218 पॉइंट ऊपर है, 0.66% की तेजी है। S&P 500 1% ऊपर है, यानी कि मिड कैप में बढ़िया तेजी है, और रसल 2000 0.25% ऊपर है, यानी कि स्मॉल कैप में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी 18,000 के ऊपर 102 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आराम से। 18,017 का भाव है इस समय SGX निफ्टी का। अमेरिका के बाजार की बात करें तो वहां पे कुछ बढ़िया नंबर आने के कारण ये मूव देखने को मिल रहा है आपको। अब हमारे बाजार के लिए बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो भैया रिजल्ट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट की बात करें तो कुछ बड़े नंबर आए हैं, लाइक एक्सिस बैंक, एम्फेसिस एंड आपके लिए LTIMindtree, इनके नंबर्स पे रिएक्शन आएगा कल के सेशन में। बड़े नंबर्स की बात करें, और छोटे तो बहुत सारे हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी करे हैं, टेक महिंद्रा, विप्रो, सूर्या रोशनी, बजाज होल्डिंग्स, बहुत सारे नंबर है, आदित्य बिरला सनलाइफ, तो ये सारे नंबर्स, ट्रेंट के नंबर भी आ चुके हैं, ट्रेंट, इंडियन होटल्स, मोतीलाल ओसवाल, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, ये कुछ नंबर्स हैं जो कल रिएक्शन देंगे अपने रिजल्ट्स पे। वहीं कल के सेशन में किस किस कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं, यानी कि रिजल्ट कैलेंडर आपके साथ शेयर करूं, तो कल के सेशन की बात करें यानी कि 28 अप्रैल, तो पहले तो अगर बात करें तो सुप्रीम इंडस्ट्री अपने नंबर पेश करते हुए दिखेगी, RPG लाइफ साइंसेज, मिटसी इंडिया, साटिया इंडस्ट्रीज अपने नंबर पेश करेगी, रेगेंसी फिनकॉप, IOL केमिकल्स के नंबर्स आने हैं, जिंदल ड्रिलिंग के नंबर्स आने हैं, हिमाद्री स्पेशल के नंबर आने हैं, वेदांत फैशन के नंबर आने हैं कल के सेशन में, कल्याणी स्टील्स के नंबर आते हुए दिखेंगे आपको कल के सेशन में, कल्याणी इन्वेस्टमेंट के नंबर भी आपको कल ही आते हुए दिखेंगे, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नंबर कल के सेशन में आते हुए दिखेंगे, एंड कुछ और बड़े नाम तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के नंबर आएंगे। ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है गिरता ही जा रहा है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया इसमें, बट उसके बाद भी ऊपर नहीं आया, कल नंबर्स आते हैं, लेट्स सी कैसा आता है, कल पॉजिटिव रिएक्शन आएगा देखने वाली बात है।
जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के कल नंबर आते हुए दिखेंगे। ई मुद्रा के बारे में कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कंटिन्यू, तो कल ई मुद्रा के नंबर भी आपके लिए आते हुए दिखेंगे। और कुछ बड़े नंबर्स की बात करें तो टाटा मेटालिक्स अपने नंबर पेश करेगा, अल्ट्राटेक सीमेंट। अब सीमेंट को लेकर मैं थोड़ा कॉशियस साइड पे हूँ, एक हमारे व्यूअर है जिनके पास है और वो हमारे रेगुलर व्यूअर है, रोहित या राहुल नाम, रोहित जी नाम है आई थिंक, तो उनसे मैं ये बोलूंगा कि आपने अल्ट्राटेक खरीद रखा है, रिजल्ट से पहले पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि दालमिया भारत ने बहुत खराब नंबर पेश करे थे सीमेंट से। तो लेट्स सी कल अल्ट्राटेक दिग्गज में कैसे आगाज करता है, बट नंबर थोड़े से हो सकता है वीक आ जाए, तो आप हल्का प्रॉफिट जरूर कर लेना। अतुल इंडस्ट्री के कल नंबर आने वाले हैं, कैपिटल इंडिया, एमआरपीएल। आज चेन्नई पेट्रो ने क्या तूफानी नंबर दिए, 11.5% एमआरपीएल भी भागा है, कल इसके नंबर आने, देखने वाली बात है कैसे आने वाले हैं। डाटामेटिक्स ग्लोबल के नंबर आएंगे, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स के नंबर आते हुए दिखेंगे कल आपको, बड़ी लिस्ट है नंबर्स की, एमएनएम फाइनेंस सर्विसेज के नंबर आएंगे, केशोराम इंडस्ट्रीज, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, रामकृष्णा फॉजिंग्स 285 पे आपको रिकमेंड करा था, 326 पे ट्रेड करता हुआ दिखाया आज के सेशन में, एंड कल नंबर आएंगे, लेट्स सी कैसे आते हैं। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी ज्यादा से ज्यादा एक महीना हुआ है जब ये शेयर रिकमेंड करा, तो बढ़िया मूव आ चुका है, ऑलमोस्ट 15% ऊपर है। ओरिएंट सीमेंट एंड ग्लोबल एजुकेशन, ये कुछ बड़े नंबर हैं जो कल आपके लिए आते हुए दिखेंगे। वहीं अगर कुछ एक्स डेट की बात करें तो कल एससीएल टेक्नोलॉजीज 18 रुपए पर शेयर एक्स डेट ट्रेड करेगा, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड 1 रुपए पर शेयर एक्स डेट ट्रेड करेगा डिविडेंड, सेनोफी इंडिया 377 रुपए पर शेयर एक्स डेट ट्रेड करेगा, KSB लिमिटेड 15 रुपए एक्स ट्रेड करेगा, सेरा इन्वेस्टमेंट 10:2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा, 10:2 की, यानी कि एक के बदले 5 शेयर हो जाएंगे, स्टॉक स्प्लिट है। जोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी भी स्प्लिट होती हुई दिखेगी 5:2 के रेशो में। एंड बात करें अगर एक और स्टॉक तो स्प्रे किंग एग्रो इक्विपमेंट 2:3 के रेशो में बोनस देता हुआ दिखेगा। तो ये कल के लिए पूरा का पूरा सेटअप है, होप आपको ये सारी जानकारी पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।